Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जिस रिश्ते में विश्वास पक्का हो, जिस रिश्ते की नींव विश्वास पे हो, उस रिश्ते की कामयाबी पक्का है, उस रिश्ते में जीत पक्का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे अहिल्या ने मना ही रिया खंडेराव को खुशी खुशी विदा लेने के लिए और समझा दिया कि क्यों है उनके लिए जाना जरूरी। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, हमने देखा कि दरबार में खंडेराव नाराज से बैठे थे और नाराजगी में ही उन्होंने शपथ भी ली, बाबा साहब के साथ खड़े हुए, मगर मन में उनके पूरी तरह से नाराजगी भरी हुई थी। उसके बाद खंडेराव जब जाते हैं अंदर और वहां पे जब आते हैं बुलाने के लिए कि गुरुजी के पुत्र आ गए हैं खंडेराव को लेने के लिए, वहां पे भी खंडेराव बहुत ही नाराजगी दिखाते हैं मल्हार राव को और बहुत ही चुपने वाली जो है बात कह देते हैं, जब जाना ही है तो अभी क्यों नहीं भेज देते, जब इसी बात में आपकी खुशी है। तो इसी से पता चलता है कि खंडेराव अभी भी मन से तैयार नहीं है जाने के लिए, जबकि अहिल्या के हिसाब से वो रात को तैयार हो गए थे। वो उन्होंने तितली वाली जो उनको बताई थी, उसके बाद वो जब अपनी आई साहिब के पास गए तो कैसे दुलार से वो उनके साथ लेटे हुए थे, बहुत ही इमोशनल सीन था, बहुत ही रोना आया वो सीन देख के। तो वो सारा कुछ देख के अहिल्या को शांति थी कि ये तैयार हो गए हैं, मगर जब सुबह उठ के उनके तेवर अलग दिखे तो उनको हैरानी हुई अहिल्या को कि ऐसा कैसे हो गया, रात को तो ये तैयार थे। खैर, अब अहिल्या का जो काम है और ज्यादा जरूरी हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है कि जो तैयार था अब नहीं तैयार है खंडेराव, अब उनको फिर से तैयार करना है क्योंकि वो ऐसे जाने नहीं दे सकती है खंडेराव को दुखी मन से, और दुखी मन से बाकी सब जो घर के लोग होंगे उनको भी वो नहीं देख पाएगी। तो वो एक कोशिश और करती है और उस कोशिश में वो कामयाब होती है, और वो बहुत ही अच्छी कोशिश थी जो उसने की, जिससे हम सबको भी सीखना चाहिए कि जूते पूरे आ जाएंगे। नॉर्मली ये कहावत है कि जब जूते पूरे आ जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ में लेनी पड़ती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में लेनी पड़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए काबिल बनना बहुत ही जरूरी है। ये बात अहिल्या ने अपनी इस बातचीत में खंडेराव के साथ जो की, उसमें उनको समझाया कि क्यों जरूरी है आपका गुरुकुल जाना, क्यों जरूरी है आपका 7 साल वहां पे हर तरह का ज्ञान अर्जित करना। तो ये बहुत ही बढ़िया वाला सीन था, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि खंडेराव को ये समझ में आ चुका है कि जो अहिल्या बातें कहती हैं उन बातों में खंडेराव की भलाई ही भलाई होती है। ये बात आज तक मल्हार राव होलकर उनको नहीं समझा पाए, उनके पिता नहीं समझा पाए, मगर अहिल्या इस बात को लेके उनको समझा पाई, उनका विश्वास जीत पाई खंडेराव का, जो उस पे पूरा विश्वास करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि तुम्हें अगर विश्वास है अहिल्या तो मैं तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं हंसी खुशी यहाँ से विदा लेता हूँ। तो ये जो विश्वास पे विश्वास करने वाले जो रिश्ते होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। इसमें ये पता चलता है कि जो सामने वाला बंदा है वो मेरे लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकता है, वो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरी इतनी केयर करता है, वो मेरे बारे में गलत सोच नहीं सकता है, चाहे अभी उसका जो फैसला है चाहे बहुत ज्यादा हार्श क्यों ना हो, बहुत ज्यादा सख्त क्यों ना हो। तो ये वाली चीज मुझे लगा आपसे जरूर बात करनी चाहिए, ये बात हम अपनी आम लाइफ में भी लेके आए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोगों को अपने साथ रखें जिन पे हम विश्वास कर सके कि ये हमारा भला ही चाहेंगे, और उनके विश्वास पे हम भी विश्वास रखें, चाहे उस टाइम हमें उनकी बात समझ में नहीं आ रही हो तब भी। तो ये खास करके पेरेंट्स के साथ तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है जो हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।